प्रेशर बचा है एट प्रेजेंट। तो हमें आपके आ जाने से बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस शो के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कभी शो नहीं किया, बट ऐसे शोज आए हैं लेकिन बहुत रेयर आए हैं। तो हाँ करें, चालू करें, आप पहले सेट कर लें, आपको ये सेट कर लो, अभी करते हैं। एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, दिस वन सेकंड, आई नॉट गेटिंग इनफ लाइट, थोड़ा ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बॉस। मतलब मैं हूँ 26 साल का, लेकिन मुझे खेलना है कोई 24 साल का किरदार। ऐसा किसको मौका मिलता है? किसको मौका मिलता है? I have to fall in love with a 42 year old and get married to her. तो basically थोड़ा अलग ही एटमोसफेयर है यहाँ पे, एक अलग ही कहानी है। तो बेसिकली इसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया इस कहानी की तरफ। एंड दिस फर्स्ट टाइम आई एम ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर बींग सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस, फॉर बींग सच एन अमेजिंग को एक्ट्रेस एट वर्क ऑल्सो। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शूट पे भी एक वातावरण अच्छा मेंटेन हो। तो हमारे साथ तो वैसे ही होता है, हम चिल हैं वैसे, तो इट्स नाइस। सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, बिकॉज़ हाफ द एज होने के बावजूद डबल द एज का रोल पोर्ट्रे करना। आर यू टॉकिंग टू मी? यस यस, यू थिंक आई एम 24? No, I am definitely not in my 20s, of course, you can see that. But it's not a very big difference, but the fact that I have a 15-year-old और मैं एक 24 साल के लड़के से प्यार में पड़ी, जो day to day life में नहीं होता। I'm lucky कि ऑफ स्क्रीन, तो ऑन स्क्रीन मुझे करने का मौका मिल रहा है। चैलेंजिंग तो क्या, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, मैं ऐसे थोड़े लोगों को जानती हूँ, आजकल तो बहुत सिंगल मदर्स हैं, बट वो शायद अपना प्यार ज़्यादा इजहार नहीं कर पाती, वो शायद अपने उम्र से बड़े हो या छोटे हो, रियली डजेंट मैटर। सिंगल मदर को दूसरी बार प्यार होना ही अब तक हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लस उम्र से छोटा, मतलब और एक स्टेप उसके आगे चलना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर शो, अगर बाय गॉड्स ग्रेस चल जाए, तो एटलीस्ट सिंगल मदर्स अपनी एज के लड़कों से तो शायद इजहार कर सकेंगी, या सोसाइटी एटलीस्ट उतना तो एक्सेप्ट कर लेंगी कि चलो उतना नहीं तो चलो यही कर लो। यू नो, आजकल बहुत ऐसा होता है कि हमारा जो ऑडियंस होता है वो काफ़ी बारीक ही हो जाता है, यू नो, सुनना तो पड़ेगा ना अपने टॉपिक को लेके काफ़ी बारीक हो जाते हैं। सो यू नो, जब जब ऐसी कोई स्टोरी आती है, जैसे प्रीवियसली भी काफ़ी एज बैरियर के ऊपर एक स्टोरी आई थी डिफरेंट चैनल पे, तो लोगों ने नहीं सराहाया था, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन? मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था ये जो हमारी, जी हाँ, वो शो का, उस शो के बारे में ज़्यादा कमेंट तो मैं करना नहीं चाहूँगी, बट इस शो में तो साहिल इज़ ऑल रेडी टू फॉल इन लव, ही इज़ नॉट एन एमेच्योर। वो 24 ईयर्स का है, जो आजकल नहीं, लेकिन पहले तो 24 ईयर्स के सारी लड़कियाँ लड़के सब शादी करके बच्चे भी कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि एमेच्योर है, हाँ डिफरेंसेस है, बट मुझे लगता है कि सोसाइटी ने ना ये पहले एक बार एक्सेप्ट किया है। एक दो बार हमारे शोज ऐसे आए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, जो लेडी उम्र में बड़ी और फिर द मैन इज़ यंगर। मुझे लगता है सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस मच, क्योंकि हमें हमेशा बोला जाता है कुछ अलग दिखाओ, कुछ अलग इंटरेस्टिंग दिखाओ, तो हम मतलब जी ने ये हिम्मत की है कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की। तो आई रियली होप दैट दिस इज़ सक्सेसफुल। अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या एक्सेप्ट क्या होगा? क्योंकि एक सिंगल चीज़ है एज गैप, जो कि इसमें भी एज गैप ही है, तो क्या अगला स्टेप क्या होगा? वो तो हमारे हाथ में नहीं होगा, अगला स्टेप मत आने देना ना, देख लेना शो। ओह नो, हू आर यू आस्किंग? हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी इतना सारा क्रॉस करके आए हैं, हमें आई डोंट थिंक, और आज की जनरेशन लाइक हिज जनरेशन, आई डोंट थिंक जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको कार लाइसेंस के बिना घूमते रहते हैं, कार चलाते, तो ये लाइफ बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह हो ऐसा ही हो कि लोगों की सोच बदले, एटलीस्ट एक औरत को देखने का नजरिया बदले। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।